नमस्ते, आज हम लोग बेगूसराय से कोलकाता जा रहे हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ बेगूसराय टाउनशिप के पास हैं। हम लोग बेगूसराय से चल पड़े हैं। हम लोग N31 लेते हुए बेगूसराय 0 माइल से लेफ्ट सिमरिया गंगा ब्रिज की ओर चलेंगे। ये बेगूसराय 0 माइल है और यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया है और ये आगे हम लोग गंगा सिमरिया ब्रिज की ओर जा रहे हैं। क्या बात कर रही है, हैदराबाद जा रही है ट्रेन? ये नीचे सिमरिया घाट जाने का रास्ता है, यहाँ से नीचे सिमरिया घाट जा सकते हैं। गंगा ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट लेते हुए हम लोग आगे बड़हिया लखीसराय का रास्ता ले लिए हैं। इस रोड से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोगों को बड़हिया मिलेगा और बड़हिया बाजार क्रॉस करते हुए हम लोगों को आगे जाना है। ये बड़हिया बाजार है, यहाँ पे माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी है। बड़हिया से NH-33 लेते हुए हम लोग लखीसराय की ओर बढ़ रहे हैं। ये NH-33 से आप मुंगेर होते हुए भागलपुर जा सकते हैं। हम लोग आगे लखीसराय बाईपास लेंगे जो अशोक धाम होते हुए जाएगा। NH-33 टोल बूथ से 1/2 किलोमीटर पहले राइट की ओर लखीसराय बाईपास का रास्ता है जो अशोक धाम होते हुए गुजरेगा। हम लोग यहाँ शिव दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। ये अशोक धाम टेम्पल है। अशोक धाम को इंदिरा दमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ दिया गया था और कई सालों तक जमीन के ऊपर कोई अवशेष नहीं था। बाद में 1977 को अशोक और गजानंद नाम के दो लड़कों
वो ज़मीन पर गिल्ली डंडा खेलते हुए ज़मीन के नीचे विशालकाय शिवलिंग की खोज की थी और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम अशोक धाम रख दिया गया। अशोक धाम में शिव दर्शन करने के बाद हम लोग ये लखीसराय बाईपास होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लखीसराय जेल मोड़ है, यहाँ से लेफ्ट लेते हुए हम लोग आगे जमुई लखीसराय स्टेट हाईवे पे आ जाएंगे। हम लोग अभी जमुई लखीसराय स्टेट हाईवे पे हैं। ये जमुई चौक है, हम लोग यहाँ चाय नाश्ते के लिए रुके हैं। चाय नाश्ता करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे इसी रास्ते से खैरा, सोनो और बतिया फॉरेस्ट होते हुए चकई पहुँचेंगे। ये जमुई मोड़ है, यहाँ से हम लोग आगे खैरा की ओर बढ़ रहे हैं। ये आगे खैरा मोड़ है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट रास्ता लेते हुए सोनो जाएंगे। खैरा मोड़ पे चाय की और नाश्ते की अच्छी दुकान है, आप यहाँ चाय नाश्ते के लिए रुक सकते हैं। हम लोग सोनो पहुँच चुके हैं, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो झाझा रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और सीधे आप बटिया फॉरेस्ट होते हुए चकई। चकई यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। चकई मोड़ से आप लेफ़्ट लेंगे तो देवघर चले जाएंगे और राइट लेते हुए आप गिरिडीह धनबाद की ओर जा सकते हैं। बतिया फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है यहाँ का और ड्राइव करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अब आगे चकई जा रहे हैं और ये आगे चकई चौक है। यहाँ अगर आप चाय नाश्ता और खाना खाना चाहते हैं तो ढेर सारी दुकानें हैं। यहाँ का भुंजा बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ चकई मोड़ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो देवघर चले जा सकते हैं और राइट लेंगे तो गिरिडीह। हम लोग अभी चकई से राइट मोड़कर गिरिडीह की ओर बढ़ रहे हैं।
आगे हम लोग चत्रो से बैंगाबाद का रास्ता लेते हुए गिरिडीह जाएंगे। ये आगे चत्रो बैंगाबाद मोड़ है और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेते हुए बैंगाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग बैंगाबाद से राइट मुड़ने के बाद ये गिरिडीह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड पे 35 रुपये का टोल देना पड़ेगा। हम लोग अभी गिरिडीह मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। हम लोग आगे टुंडी होते हुए गोविंदपुर की ओर बढ़ रहे हैं। गोविंदपुर में हम लोग जीटी रोड लेते हुए आगे कोलकाता की ओर बढ़ेंगे। गिरिडीह से गोविंदपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। ये रोड बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और लगभग एक घंटे में आप गिरिडीह से गोविंदपुर पहुंच सकते हैं। हम लोग गोविंदपुर पहुंच चुके हैं और आगे ये जीटी रोड मिलने वाला है और हम लोग यहाँ जीटी रोड लेते हुए आगे कोलकाता की ओर बढ़ेंगे। गोविंदपुर से कलकत्ता की दूरी लगभग 260 किलोमीटर के आसपास है। रोड अच्छा बना हुआ है लेकिन 6 लेन कन्वर्जन के कारण जगह जगह पे डाइवर्जन है। हम लोग अभी जीटी हाईवे पे हैं। हम लोग यहाँ से आसनसोल, दुर्गापुर और बर्धमान होते हुए कलकत्ता पहुँचेंगे। गोविंदपुर से कोलकाता तक लगभग 380 रुपये का टोल लग जाता है। पहला टोल आपको बाराकर में लगेगा जो 90 रुपये का है। फिर उसके बाद आपको पानागढ़ में 75 रुपये का, फिर पालासीट पे 75 रुपये का टोल है, फिर दानकुनी में 75 रुपये का टोल है, फिर विद्यासागर ब्रिज पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे 65 रुपये का टोल है। McDonald's had a farm, yeah. Oh, McDonald's had a farm, oh, yeah.